आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आजकल, काफी न्यूज में है, जिसको बोलते हैं ओवर स्टिमुलेशन, अत्यधिक उत्तेजना। और मैं इस वीडियो के थ्रू ये प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि बोर होना हमारी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारे बेहतर उद्देश्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम बोर हों जिंदगी में, और किस तरीके से सोसाइटी ने इसको एक बीमारी घोषित कर दिया है कि अगर आप बोर हो रहे हो तो लोग समझेंगे अरे यार कुछ कुछ दिक्कत है क्या, तुम क्यों बोर हो रहे हो। अगर आप घर से दूर रहते हो, आपके पास कॉल आता है, आप बोल देते हो कि मैं बोर हो रहा हूँ आज, तो लोग क्या बोलेंगे, घर वाले, बोर क्यों हो रहे हो, जाके किसी से मिल गया हो, कुछ खा के आओ, कहीं टहल गया हो, मूवी देख लो जाके। जब बहुत ज्यादा ये बीमारी बढ़ जाएगी तो बोलेंगे शादी कर लो, बच्चे कर लो, उनका सोल्यूशन ये है। बेसिकली उनकी भी गलती नहीं, सोसाइटी को ऐसे डिजाइन किया गया, ऐसे मैनिपुलेट किया गया, उनके एल्गोरिदम्स ऐसे बनाई गई कि जैसे ही कोई बोले कि बोर हो रहा है, बच्चा बोले बोर हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी कुछ करवा दो बोर ना होने पर। तो मैं कोशिश करूंगा कि क्यों बोर होना हमारी जिंदगी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको ऐसे डिजीज घोषित कर दिया गया है इस दुनिया में जहां पे हम रहते हैं, इस अर्थ पे जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं, अगर आप उनका इतिहास जाके देखोगे तो उनका एक रिजल्ट, उनका उनका जो रीजन था, वन ऑफ द रूट कॉज जो था, वो बोर्डम ही था उस टाइम पे। न्यूटन जहां पे रहता था 1600 के अराउंड, तो वहां पे लड़ाइयां, रायट्स, लड़ाई हो रही थी, वॉर टाइप का था, तो लोग भाग भाग के इधर उधर एकांत प्लेसेस पे, एकांत जगह पे जाके सेटल हो रहे थे, तो न्यूटन भी भाग गया था, अपनी जान बचा गया, सभी भाग रहे थे। न्यूटन कई सालों तक एक अकेले घर में रहता था, कई सालों तक, और वहां पे बैठ के खिड़की पे देखा करता था पेड़ लगे हुए थे। ये एकदम से ऐसा नहीं हुआ था कि पेड़ से सेब गिरा और न्यूटन बोला अरे ये तो ग्रेविटी, ऐसा नहीं हुआ था। वो उसके पास कुछ खास काम करने को नहीं था, वो केवल खिड़की से बैठ के देखता रहता था, जो पेड़ से गिरती थी चीजें उनकी ट्रेजेक्टरी देखता रहता था, उसको कैलकुलेट करता रहता था। उसका रिजल्ट था कि हमें ग्रेविटी का पता चला, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन है आज तक का साइंस, ग्रेविटी। उस ग्रेविटी की वजह से हमें कैलकुलस का पता चला। तो ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें क्यों पता चली, क्योंकि न्यूटन बोर हो रहा था, उसके पास कुछ करने को खास था नहीं। अगर न्यूटन के पास उस समय नेटफ्लिक्स होता, आईपैड होता, न्यूटन लगा रहता उसमें घंटा, वो देखता कि पेड़ से क्या गिर रहा है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। तो बोर होना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब क्यों सोसाइटी, समाज नहीं चाहता कि हम बोर हों, हमारे बच्चे बोर हों। जब आप बोर होते हो तो आप अनकॉन्शियस ब्रेन का जो आपका पावरफुल पार्ट होता है, उसके थ्रू आप सोचते हो, बड़ी बड़ी सोचते हो, चीजें सोचते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए चीजें सोचते हो, कुछ इनोवेटिव बनने की कोशिश करते हो, कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करते हो, कुछ बदलने की कोशिश करते हो अपनी जिंदगी, जो कि सोसाइटी के प्री डिफाइंड रूल्स हैं, उनके अलावा कुछ करने की कोशिश करते हो। समाज को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि यार मैं रील्स देखता रहा, शॉर्ट्स देखता रहा, मैंने सोचा था आधे घंटे देखेंगे, 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, मैं देखते ही चला गया। आपको लगता है ये ऐसे ही देखते चले गए और क्योंकि शॉर्ट्स इतने इंटरेस्टिंग थे इसलिए देखते चले गए, ये रीजन नहीं है इसका। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, यूएस जैसे कंट्रीज में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल दिया जाता है वहां पे, वहां पे न्यूरो साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं जिनको यही, इनका यही काम है कि आम आदमी सोचता कैसे है, आम आदमी एडिक्ट कैसे बन सकता है किसी भी चीज का, वो लोग मिलके ऐसे एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं, इसलिए आप देखते रहते हो, क्योंकि उसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स और दुनिया के बेस्ट ब्रेन काम कर रहे हैं, इसलिए आप देखते रहते हो, आप खुद नहीं देखते रहते। उनको पैसा पता है कौन कौन देता है, उनको कैजिनोस जो होते हैं वो पैसा देते हैं कि एक आम आदमी का मेंटालिटी का पता लगाओ कि वो सोचता क्या है, जब वो कैजिनो के अंदर घुसता है तो वो किस तरीके से सोचता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं ये लोग उनको सोचने के, एल्गोरिदम्स बनाने के, इसलिए हम फंस जाते हैं शॉर्ट्स में, इसलिए हम फंस जाते हैं रील्स में, इसलिए हम फंस जाते हैं सोशल मीडिया में। हमें ऐसा नहीं कि वो बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत बार हमने फील किया कि हम निकलना चाह रहे हैं अंदर से, यार नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मोबाइल उठा के देखने लगता है। ऐसा नहीं कि हम अंदर से बहुत, हमारे डोपामाइन निकल रहा है, हम बहुत इंटरटेनिंग फील कर रहे हैं, हमको मजा आ रही है, ऐसा हमेशा नहीं होता। 70-80% आप फील करोगे यार किसी तरीके से ये हटे हमसे ताकि मैं अपना काम करूं जिंदगी का, लेकिन हट नहीं पा रहा है, मैं देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ, ऐसा होता है ना। ये इसीलिए होता है कि कहीं आप बोर ना हो जाओ, अगर आप बोर हो जाओगे तो आप अपनी जिंदगी के बेहतर के लिए, अपने जिंदगी में बेहतर विजन आपको दिखने लगेगा। दुनिया का नियम है कि आप जिस चीज पे फोकस करते हो वो चीज एक्सपेंड होती है, दुनिया का नियम है ये। कई बार सॉल्यूशंस निकल आते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को केवल देखते रहते हैं और सॉल्यूशन निकल आता है, कई कुछ देर तक होता है ऐसा, एटलीस्ट मैंने कई बार फील किया, और ये रियलिटी है, क्योंकि आप डीप डाइव, जब आप देखते रहते हो आप डीप डाइव कर जाते हो उसके सॉल्यूशन में, चीजें निकल आती हैं। इसीलिए अगर आप पेरेंट हो या फिर पेरेंट बनने वाले हो या फिर आप बच्चे हो, तो अपने बच्चों को बताओ कि भैया बोर कैसे होते हैं, उनको बोर होना सिखाओ, उनको कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए कहीं पे बैठा दो कि भैया तुम केवल सोचो, तुम जबरदस्ती नहीं खिलौनों से खेलते ही रहना, तुम केवल चिल करो, केवल सोचो। आप याद करो कि 2-3 घंटे आप कब शांति से बैठ के कुछ सोच रहे थे अपनी जिंदगी के बारे में, ना कि अपने काम के बारे में, या घर लेना है या उसका पुताई करवानी है या फिर ये करना है, कार का टायर बदलवाना है। 2-3 घंटे कब सोच रहे थे, चिल हो गए कि यार जिंदगी क्या है, कैसे चलती है, क्यों पैदा हुए थे, कब सोच रहे थे, क्योंकि आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा है।
क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जाल, जिसको टेट टेट ब्रदर्स नहीं बोलते कि दिस इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है। अगर ये आपको खुला छोड़ देंगे, आपको सोचने समझने की पावर दे देंगे, तो आप रियलाइज कर जाओगे कितना गलत है हमारे लिए। तो आपको इतना समय ही नहीं देना है कि आप सोच पाओ। इसलिए अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल कुछ देर के लिए छीने और उनको बोलें कि भैया जाके चिल करो, कोई दिक्कत नहीं, केवल जाके बैठ कर सोचो, कुछ भी सोचो। बोर होना कोई बीमारी नहीं है, बोर होना एक टैलेंट है। बोर होने को बीमारी मत बताइए, बोर हो जाएगा तो। हम अपनी रियलिटी, हमारी जो रियल जिंदगी चलती है हमारी, हम जब कोई गेम खेलते हैं तो हमें कितना मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि गेम्स में अटैक्स होते हैं और काउंटर अटैक्स होते हैं, लेकिन हमारी जो रियल लाइफ चलती है वो इतनी बोरिंग। अक्सर लोगों से सुना होगा 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, अब तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी, जो भी है जैसे भी चलने दो, हम बहने लगते हैं, सब छोड़ देते हैं। लेकिन गेम अगर हम खेलते हैं कंप्यूटर पे, तो आप कोई ऐसा गेम में आपका इंटरेस्ट आएगा जिसमें कोई काउंटर अटैक ना हो, कुछ भी अटैक ना हो, आप बस चलते जा रहे हो, नहीं आएगा। लेकिन रियल जिंदगी हमारी ऐसी ही चल रही है और हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको, और हमें मजा आने लगी, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें मजा आ रही है। रियलिटी में घंटा नहीं रही, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ में काउंटर अटैक्स नहीं करते हैं। चेस हम खेलते हैं, हमें कितना मजा आता है, क्यों मजा आता है? क्योंकि हम सामने से अटैक होता है, हम काउंटर अटैक करते हैं। तो अगर रियल लाइफ को हैपनिंग बनाना है, उसमें कुछ स्पार्क पैदा करना है, तो आपको काउंटर अटैक्स करने पड़ेंगे। और यकीन मानिए, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोई गलती नहीं करता है, जो कहता है कि मैं 4 ही बजे उठता हूँ और सालों से उठता जा रहा हूँ, मैं यही काम डिसाइड कर लेता हूँ, मैं यही करता हूँ, मैं जो सोच लेता हूँ मैं यही करता हूँ। ये अगर कोई बोलता है वीडियोज़ में, तो आपको चूतिया बना रहा है। सबसे गलतियाँ होती हैं, और बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी गलतियाँ। लेकिन वो इंसान इन्फ्लुएंसर इसलिए है, उसको लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसको पता है कि काउंटर अटैक कैसे करते हैं। आम इंसान भूल चुका है काउंटर अटैक कैसे करते हैं। 3 दिन से पार्टियां चली जा रही हैं, फिर नॉर्मल जिंदगी। अगर 3 दिन से पार्टी चल रही है, उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, दिनचर्या हमारी खराब है, तो काउंटर अटैक करोगे भैया अगले 2 वीक मैं कुछ नहीं करूंगा, बेहतर चीजें खाऊंगा, बेहतर चीजें, अपना टाइम बेहतर जगह इन्वेस्ट करूंगा, इसे बोलते हैं काउंटर अटैक करना। सब कुछ बेहतर ही चलता रहेगा जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको केवल इतना सीखना है कि काउंटर अटैक क्या होता है, इसकी अवेयरनेस डालनी है दिमाग में। ऐसा कभी समय नहीं आएगा सब कुछ बेहतर चलने लगे। 2 दिन से बुरा खा रहे हैं, खाते ही चले जा रहे हैं, पी रहे हैं, पीते ही चले जा रहे हैं, तो डिसाइड करो भैया 10 दिन मैं बेहतर चीजें खाऊंगा, बेहतर तरीके से रहूंगा, इसे बोलते हैं काउंटर अटैक। 3 दिन हो गए लेजी हैं, कुछ नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं की, जिम नहीं गया, या फिर कुछ रनिंग नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं, अटैक करो 4th दिन कि आज मैं जितना करता था पहले उससे मैं ज्यादा करूंगा, इससे बोलते हैं काउंटर अटैक। जब तक ये नहीं करोगे तब तक जिंदगी हैपनिंग नहीं होने वाली है, जिंदगी में कोई स्पार्क नहीं पैदा होगा, जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही बदसूरत सी चलती रहेगी, मौत का इंतजार। लोगों को एक शब्द से बहुत ज्यादा प्यार है कि सेटलमेंट, सेटल हो जाना, कि मैंने सोचा था कि घर हो जाएगा, बीवी है, बच्चा है, गाड़ी है, और अब सेटल हो गए। इसका मतलब क्या है कि सेटल हो गए? मतलब 1000 साल के लिए पैदा हुए भी सेटल हो गए, मौत का इंतजार करोगे? कहाँ लिखा है, किस उपनिषद में, किस ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन आएगा कि तुम सेटल हो जाओगे और फिर मौत का इंतजार करना? कहीं लिखा है ऐसा ग्रंथों में? ये हमने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें कुछ करना ना पड़े। हम काउंटर अटैक से इतना ज़्यादा डरते हैं, गेम्स खेलते हैं हमें बड़ी मजा आती है, इसीलिए हम एथलीट्स को बहुत पसंद करते हैं, बच्चे खासकर, क्योंकि वहाँ पे गेम चल रहा होता है, लोग अटैक कर रहे हैं। अपनी जिंदगी जहाँ पे बारी आती है, घंटा अटैक से कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है चलने दो, बेहतर बहते ही चले जाओ इसी। तो काउंटर अटैक करो अपनी जिंदगी में, बुरी चीज़ें होती रहेंगी, हर किसी की होती हैं। जो कहता है मेरी जिंदगी में बुरी चीज़ें नहीं होती, वो आपका काट रहा है, तो बुरा होता है। काउंटर अटैक करो, यही सॉल्यूशन है जिंदगी का। कोई परमानेंट, सबसे डरावनी चीज़ यही है जिंदगी की, कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि अचीव कर लिया हमने, हो गया, बस यही करना था और डन, ऐसा नहीं होगा। आखिरी सांस तक आपको देर इज नो फिनिश लाइन। तो कितनी भी उम्र है आपकी, कुछ भी हो चुका है आपकी जिंदगी में, खड़े होइए और काउंटर अटैक करिए जितना बचा हुआ है समय। कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, बहुत पैसा है वो भी 70-75 जिएगा, जिसके पास नहीं है वो भी 70-75 जिएगा। तो इसको बहुत ज्यादा डिटैच होकर देखो कि हाँ ठीक है, एक गेम की तरह पैदा हुए थे जिंदगी में, गेम खेला और निकल लिए, किसके पास कितना पैसा था, किसके पास नहीं था, इट डजंट मैटर, अगर डिटैच होकर देखोगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन अगर आपके एक हाथ में स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, तो धीरे धीरे जब डिक्लाइन होता है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, तो फिर आदमी लूज पड़ जाता है, क्योंकि उसका स्पिरिचुअलिटी वाली जो जिंदगी क्या है, मरना क्या है, जीना क्या है, ये सब के बारे में अगर ज्ञान नहीं, तो फिर आदमी डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, इन सब में जाने लगता। तो अटैक करो, दबा के अटैक करो, फेल दो जिंदगी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।